आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साइंस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है साउंड यानी ध्वनि। पहले हम देखते हैं ध्वनि क्या है। ध्वनि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूस ए सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर, जो हमारे कान में एक सेंसेशन पैदा करता है उसे हम ध्वनि कहते हैं। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या फॉलो करता है? हाँ, फॉलो करता है क्योंकि ये एक एनर्जी है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि कोई भी एनर्जी को हम सृष्टि या और ध्वंस नहीं कर सकते हैं, एनर्जी को सिर्फ हम मॉडिफाई कर सकते हैं यानी रूपांतर कर सकते हैं। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन। साउंड किस तरह प्रोड्यूस होता है? साउंड एक वाइब्रेशन के द्वारा प्रोड्यूस होता है। जैसे देखिए यहाँ पे बात हो रहा है तो बातों में जो वाइब्रेशन हो रहा है उससे ये ध्वनि प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे जो कान में ध्वनि किस तरह एंटर करता है और किस तरह हम सुन सकते हैं। ये जो आउटर लेयर है कान का, इसे हम पीना कहते हैं, और यह है एक्सटर्नल लेयर। ध्वनि बाहर से अंदर इस रूट से आता है, आके यहाँ पे जो डायफ्राम दिख रहा है आपको शायद, ये जो मेम्ब्रेन है डायफ्राम है, इसको हिट करता है। ये डायफ्राम वाइब्रेट होने से यहाँ पे जो तीनों हड्डियाँ हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपीज, ये तीनों हड्डियों को वाइब्रेट करता है, जिससे ये कॉकलिया में जाता है वाइब्रेशन, वहीं से ये कॉकलियर नर्व से होकर हमारे ब्रेन तक जाता है। इस तरह हम सुन सकते हैं। साउंड का जो वाइब्रेशन पार्टिकल होता है वही से हम, वही ये पूरे एरिया को वाइब्रेट करता है जिससे हमको हियरिंग होता है, मतलब हम सुन सकते हैं जिसके माध्यम से। अब देखते हैं वेव। हमने पहले देखा है साउंड क्या होता है। साउंड एक वेव होता है यानी तरंग होता है। देखते हैं पहले तरंग कितने तरह के होते हैं। तरंग तीन तरह के होते हैं, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव। मैकेनिकल वेव हम किसे कहते हैं? द वेव व्हिच कैन बी प्रोपोगेट और प्रोड्यूस ओनली इन ए मेटेरियल मीडियम आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। जिसे प्रोपोगेट होने के लिए मेटेरियल मीडियम चाहिए यानी कोई माध्यम चाहिए प्रोपोगेट होने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है? जिसे कोई माध्यम नहीं चाहिए यानी कि नो मीडियम, कोई माध्यम नहीं चाहिए। मैकेनिकल वेव वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में ट्रैवल कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैटर वेव के बारे में। द वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एटसेट्रा। मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के जो वेव है, ऐसे पार्टिकल के जो वेव है, उसे हम कहते हैं मैटर वेव। नेक्स्ट हम देखते हैं मैकेनिकल वेव के बारे में। जैसे मैकेनिकल वेव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सा है? द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द सेम डायरेक्शंस ऑफ प्रोपोगेशंस। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मीडियम का जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट कौन से डायरेक्शन पर करता है? वेव के डायरेक्शन में। अगर इस तरफ वेव जा रहा है तो मीडियम के पार्टिकल भी इस तरफ ही मूव करेंगे, इस तरफ ऐसे 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 मूव करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे, ठीक है, उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। इस डायग्राम पे आप देख रहे हैं कैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव मूव कर सकता है। नेक्स्ट अब देखिए ट्रांसवर्स वेव। द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन। इस डायग्राम पे आप देख सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो इस तरह 90 डिग्री एंगल पे वाइब्रेट हो रहा है। देखिए अप डाउन 90 डिग्री एंगल पे वाइब्रेट हो रहा है पार्टिकल। आप देख सकते हैं वेव जिस डायरेक्शन पे जा रहा है पार्टिकल, उसके 90 डिग्री एंगल पे वाइब्रेशन हो रहा है। साउंड, अगर हम पूछे साउंड वेव कौन सा वेव है, साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है। नेक्स्ट हम देखते हैं इस डायग्राम पे, आप अच्छी तरह से देख लीजिए कि कौन सा ट्रांसवर्स है और कौन सा लॉन्गिट्यूडनल वेव है, कौन सा ट्रांसवर्स है और कौन सा लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये है ट्रांसवर्स वेव। ये पार्टिकल जो है ये आप देख सकते हैं कि जिस तरफ वेव जा रहा है पार्टिकल, उससे 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर है। अब देखिए परपेंडिकुलर 90 डिग्री यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये पार्टिकल इस तरफ वेव जा रहा है तो पार्टिकल भी इसी दिशा पे जा रहा है, ऊपर नीचे नहीं है। देखिए इस तरफ वेव जा रहा है तो पार्टिकल इसी दिशा पे है,
ऊपर नीचे नहीं, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल क्या है, ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, देख लीजिए एक बार। लॉन्गिट्यूडनल वेव ये है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ये है ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव ये है ट्रांसवर्स वेव। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब कुछ टर्म देखते लेते हैं वेव के बारे में। जैसे वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, द वेवलेंथ इज द मिनिमम डिस्टेंस कवर बाय वेव आफ्टर व्हिच ए साउंड वेव रिपीट इटसेल्फ। मतलब वेवलेंथ हम बोलेंगे अगर कोई साउंड मिनिमम डिस्टेंस टू कवर वेव आफ्टर व्हिच द साउंड वेव रिपीट, एक रिपीटेशन के पहले वाला डिस्टेंस जो होता है उसे हम वेवलेंथ बोलते हैं। इसको हम लैम्डा के, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर। अब इस तरंग में आप देखिए यहाँ पे हम वेवलेंथ किसको बोलेंगे, ये है वेवलेंथ और ये है वेवलेंथ। आप देख सकते हैं इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस, देखिए यहाँ पे जो वेव, मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, देखिए यहाँ से जो वेव स्टार्ट हो रहा है फिर से अगर यहाँ पे आए, यहाँ से यहाँ तक ठीक है, अगर यहाँ से फिर से जाएगा तो ये रिपीट होगा। देखिए यहाँ से इस पार्ट रिपीट हो रहा है, तो मिनिमम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो मिनिमम डिस्टेंस हम बोल रहे हैं यही है वेवलेंथ। रिपीट होने से पहले जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वही होगा वेवलेंथ। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव और वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितना नंबर ऑफ वाइब्रेशन जा रहा है, इसे हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। अगर किसी तरंग वेव के एक सेकेंड में 3 वाइब्रेशन जा रहा है तो उसे हम, उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, उसका फ्रीक्वेंसी होगा 3 हर्ट्ज। अगर 4 वाइब्रेशन जा रहा है तो उसे हम एक सेकेंड में, तो हम उसे क्या, उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, उसका फ्रीक्वेंसी होगा 4 हर्ट्ज, ठीक है। एक सेकेंड में जितना वाइब्रेशन होगा और जितना कंप्लीट वेव, कंप्लीट वेव कौन सा है, यहाँ से यहाँ तक है कंप्लीट वेव है, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट वेव, एक सेकेंड में जितना कंप्लीट वेव पास हो रहा है उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 कंप्लीट वेव, एक पूर्ण वेव को प्रोड्यूस होने में, कंप्लीट होने में जितना समय लग रहा है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी है क्या, वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में जितना कंप्लीट वेव प्रोड्यूसर है उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और एक कंप्लीट वेव प्रोड्यूस होने में जितना टाइम लग रहा है, इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी हो गया टाइम पीरियड का 1 बाई फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड होगा 1 बाई फ्रीक्वेंसी, या फिर आप बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी होगा 1 बाई टाइम पीरियड। एक सेकेंड में जितना वेव और वाइब्रेशन हो रहा है उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, और एक फ्रीक्वेंसी, एक कंप्लीट वेव प्रोड्यूस होने में जितना टाइम लग रहा है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। एक कंप्लीट वेव होने में जितना टाइम लगे उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड, और एक कंप्लीट, एक सेकेंड में जितना कंप्लीट वेव हो रहा है उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हम देखते हैं एम्पलीट्यूड के बारे में, एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजिशंस। इस डायग्राम पे आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ये है इसका, ये देखिए ये है इसका मैक्सिमम, इसका जीरो पोजिशन ये है, यहाँ से इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। मैं एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, देखिए इस डायग्राम पे ये है इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इस पार्टिकल, ये देखिए ये है इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिनल पोजिशन से जो मैक्सिमम ये है ओरिजिनल पोजिशन यानी जीरो, इससे जितना ऊपर है या जितना नीचे उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट आप देख सकते हैं साउंड क्या है, साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है, साउंड नीड ए मीडियम टू ट्रेवल, साउंड को एक मीडियम चाहिए ट्रेवल होने के लिए, साउंड के वैक्यूम में ट्रेवल हो सकता है, नहीं, साउंड सॉलिड, लिक्विड और गैस से ट्रेवल हो सकता है। हम जब बात करते हैं तो साउंड किस मीडियम से जाता है, तो साउंड जाता है एयर के मीडियम पे जाके हमारे कान में पहुंचता है, तब हमको साउंड सुनाई देता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि साउंड का जो पार्टिकल है, एक सेकेंड,
इस डायग्राम पे आप देख सकते हैं कि साउंड के जो पार्टिकल है वो एक जगह से एक जगह पे ही है जो मीडियम के पार्टिकल, लेकिन साउंड के जो वेव है वो यहाँ से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं कि साउंड के जो है वो अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, लेकिन जो पार्टिकल का प्लेस है वो एक ही जगह पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए पहले, अगर एक स्प्रिंग का जो साउंड वेव किस तरह से पास करते हैं, एक स्प्रिंग जैसे है, लॉन्गिट्यूडनल वेव हम क्यों कहते हैं इसको, इसको अगर हम इस तरह से कंप्रेस करके छोड़ देंगे तो ये देखिए कुछ कुछ जगह ज़्यादा कंप्रेस होगा, कुछ कुछ जगह कम होगा, इसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है। ये मीडियम से, मीडियम का जिस डायरेक्शन पे वेव जा रहा है उसी डायरेक्शन पे इसका कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगर परपेंडिकुलर होता तो हम उसे क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है आपका एनसीईआरटी का, जैसे कि आप देख सकते हैं कि साउंड के जो मीडियम चाहिए साउंड ट्रैवल होने के लिए उसका ही एक छोटा सा एग्जांपल है। इस बेल जार के अंदर से अगर वैक्यूम पंप के द्वारा सारी हवा बाहर निकाल दिया जाए तो इस बेल जार के अंदर जो बेल है, इलेक्ट्रिक बेल है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा, जब ये बेल रिंग होगा तो बाहर से इसका साउंड सुनाई नहीं देगा, क्योंकि इसके अंदर कोई मीडियम नहीं है, इसके अंदर कोई एयर नहीं है, इसलिए इसका आवाज़ बाहर तक नहीं आएगा। ठीक है, इससे यह प्रूफ होता है कि साउंड को ट्रैवल के लिए एक मीडियम चाहिए, साउंड नीड ए मीडियम टू ट्रैवल, इन वैक्यूम साउंड डज नॉट ट्रैवल, बिकॉज इसके अंदर कोई हवा नहीं है, अब इसमें कोई मीडियम नहीं है तो इससे साउंड बाहर नहीं जा सकता। इससे यह प्रूफ होता है कि साउंड नीड ए मीडियम टू ट्रैवल। नेक्स्ट, साउंड वेव डज नॉट डिस्प्लेस्ड मीडियम पार्टिकल, अगर किसी भी पार्टिकल से साउंड पास हो रहा है तो वो पार्टिकल सिर्फ वाइब्रेशन होगा, मतलब इस अगर यहाँ पे पार्टिकल है, एक दो पार्टिकल है इस तरह से, तो ये पार्टिकल इसको हिट करेगा फिर वापस अपने जगह पे आ जाएगा, फिर इसको हिट करेगा फिर अपने जगह पर आ जाएगा, इस तरह से जस्ट वाइब्रेशन होता है लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, लेकिन ये पार्टिकल उठ के कभी यहाँ से यहाँ तक नहीं जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, जस्ट वाइब्रेशन, यहाँ तक जाएगा फिर वापस आ जाएगा, इसका मतलब होता है कि जस्ट डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, जस्ट वाइब्रेशन होता है, साउंड जस्ट वेव पास होता है पार्टिकल के बीच में लेकिन कोई पार्टिकल मूव नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं साउंड को हम किस कैटेगरी से भाग कर सकते हैं, किस कैटेगरी में, जैसे ऑडिबल साउंड, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक। ऑडिबल साउंड हम किसे कहते हैं, जिसे हम सुन सकते हैं, वो है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक ह्यूमन ईयर सुन सकता है। नेक्स्ट है इंफ्रासोनिक, जो 20 हर्ट्ज से कम होता है, और है अल्ट्रासोनिक, जो 20,000 से ज़्यादा होता है। ये इंफ्रासोनिक साउंड कौन प्रोड्यूस कर सकता है, कौन कौन से, जैसे एलिफेंट हो, राइनो हो, ये सब ये इंफ्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। अल्ट्रासोनिक जैसे मॉस्क्यूटो, बैट अपने खाना ढूंढने में कौन सा साउंड यूज़ करते हैं, यह है अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी बैंड आप देख लीजिए, कौन सा 20 से 20,000 हर्ट्ज है ऑडिबल साउंड, इंफ्रासोनिक है 20 हर्ट्ज से कम, और अल्ट्रासोनिक साउंड होता है 20,000 से ज़्यादा जो होता है उसे हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। कौन कौन इसे प्रोड्यूस कर सकता है आप देख सकते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब साइंस एक्सप्रेस। थैंक यू।